एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए टाइम, देखिए 9:30 बज रहे हैं और सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। और आज दिन है, आज क्या दिन है? ट्यूसडे। आज दिन है ट्यूसडे का और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने के लिए, क्योंकि आज सुबह से ही जो है ना मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना बाहर जाकर आते हैं, खा कर आएंगे हम, पानी पूरी वगैरह खाएंगे ताकि मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए। मेरी आँखों से भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, मेरी ना नींद ही नहीं हुई है। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ, काम हो गया था जल्दी। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन जोहेब ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने दिया है मुझे, जिसकी वजह से ना मैं और ज़्यादा थक गई हूँ। जोएब कहाँ है? बैठना है गाड़ी पे, बैठना है जोएब को और बैठना है। तो हम लोग आए हैं पानी पूरी खाने के लिए। अच्छा हाँ, जब लेके गए थे हम, कैसे तबीयत खराब हो गई थी ना उसकी, यहाँ से यहाँ गाड़ी से लेके गए थे, पूरा 8 दिन उसकी तबीयत खराब रही है। चलिए पानी पूरी खाते हैं। हिमाद को मंचूरियन खाना था तो इसलिए जो है ना हिमाद को ये मंचूरियन खाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। और ये भैया ना मंचूरियन बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे खास करके ना इनकी मंचूरियन अच्छी लगती है, तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ से मंचूरियन ज़रूर खाती हूँ। लेकिन आज मेरा रगड़ा पूरी खाने का मन था तो इसलिए जो है ना मैंने अपने लिए रगड़ा पूरी का ऑर्डर दिया है और हिमाद के लिए मंचूरियन का। शेर मीठी ली क्या? मीठी है अभी हम भैया की चौकी में लेके जाके देंगे, बोले भैया इलीगल तरीके से पानी पूरी बना रहे हैं। हाँ जी बोलो बेटा, मंचूरियन और पानी पूरी आएगा ना, पहले क्या था? ज़्यादा तीखा मत डालना। किसके लिए बनाए बाबू? तुम्हारे लिए। मैं तो नहीं मालूम तुमको लाल मिर्ची का। ज़्यादा ड्राई ड्राई मत करना भैया। हेलो बाबू, हिमांत कैसे खाएंगे अभी? खाऊंगा पानी पूरी खाने का शौक है, लेकिन पूरी खा बेटा कितना खा लेगा, ऐसे सीधा रहेगा। अच्छी रगड़ा पूरी भैया। हाँ तो यहाँ पर जो है ना पानी पूरी वाले भैया डर गए थे कैमरे को देखकर, वो पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनके साथ मजाक कर रहे थे कि तुम्हारा जो वीडियो है ना वो हम लेके जाकर चौकी में देंगे। तो मैंने रगड़ा पूरी खा लिया और माशाल्लाह से यहाँ की रगड़ा पूरी बहुत ज़बरदस्त होती है।
कुछ दिन पहले मुझे रगड़ा पूरी खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं जो है ना ये भैया के पास आई थी, लेकिन इनकी दुकान बंद थी तो हमने ना दूसरी जगह से ले लिया था। और वहाँ की रगड़ा पूरी खा कर ना लिटरली मुझे, मतलब मैंने आधी तो छोड़ दी थी, आधी क्या मैंने तो पूरी ही छोड़ दी थी, थोड़ी सी मैंने खा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ना पूरी के अंदर मैं सिर्फ जो वटाना होता है वो डालकर मैं खा रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल वहाँ की अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ की हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी डली होती हैं, क्वान्टिटी उनकी सही होती है। अगर जो है ज़्यादा पूरी डालते हैं या फिर रगड़ा ज़्यादा डालते हैं तो उसे जो है ना टेस्ट बिगड़ जाता है। तो पानीपुरी खाने के बाद जो है ना यहाँ पास ही में एक दुकान थी जो ओपन थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग जो है ना थोड़ा सा लेट निकले थे तो सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, बस ये एक दुकान ओपन दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाइटी पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे नाइटीज़ वगैरह लेना था, तो मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग शीरिन के लिए कुर्ती देख रहे हैं क्योंकि इसमें से जो है ना शीरिन को एक कुर्ती पसंद आ गई थी, तो वहाँ पर बैठे बैठे वो बोल रही थी कि जब हम पानीपुरी खा रहे थे ना तो ये वाली कुर्ती अच्छी लग रही है, शीरिन की नज़र गई थी उस पर, तो इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ पर आए थे। हमने साथ ही जो है ना शीरिन की ये वाली एक कुर्ती ले ली है, शीरिन उठाकर रख रही थी, वो बोल रही थी कि ऐसे ही मजाक में बोल रही थी मैं, ऐसे मतलब मेरा लेने का मन नहीं था, बस मैं बोल रही थी कि ये ठीक लग रही है। लेकिन हम लोगों ने ये वाली कुर्ती शीरिन को दिलाई है और मैंने एक नाइटी ले ली है, लेकिन ये दुकान में ना मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, मुझे ये दुकान जो है ना उतनी रीज़नेबल नहीं लगी क्योंकि मैं हमेशा जहाँ से लेती हूँ वहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट में मिलती हैं, मतलब पता चलता है ना क्वालिटी देख करके कितने का बैठेगा। तो उस हिसाब से जो है ना जो नाइटी मैंने 250 में लिया था यहाँ पर जो है ना वो नाइटी मुझे 300 में मिली है, और ये वाली कुर्ती भी मुझे 300 में मिली है जो कि मुझे 200 तक मिल जाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर भैया से वही बोल रही थी कि आप ना बहुत महंगा दे रहे हैं, 50 रुपये महंगा पड़ा भैया, 250 रुपये में मैंने नाइटी लेके आई है ये। हाँ अभी जो हम करते हैं अभी हम ही को पता है, नहीं ना महंगा दे रहे हो आप जो जो जिसको। तो खैर चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है एक कुर्ती और नाइटी और अभी हम लोग जाएंगे घर के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पीना है बादाम शेक क्योंकि हिमांत ना कंटिन्यूस बोल रहे थे कि उन्हें बादाम शेक पीना है, यहाँ पर भी बोल रहे थे कि मुझे ना जूस पीना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बादाम शेक पिलाती हूँ क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगता है बादाम शेक, हिमांत को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम लोग ना बादाम शेक पीना है, ठंडी में बादाम शेक पी रहे हैं आराम से ये ग्लासेस ना पेपर के रहते, थोड़ा सा आराम से पीना पड़ता भैया। एक फालूदा करो ना, हाँ और क्या नहीं डालना उसमें, रोज का जो फ्लेवर डालते हैं वो नहीं डालना, फ्लेवर बिल्कुल नहीं, फ्लेवर डालना है लेकिन रोज वाला नहीं डालना है, मत डालो दूसरा है तो दूसरा डालो, और आइसक्रीम रोज वाली नहीं डालना, वो भैया नहीं है जो हमेशा बनाते हैं, दूसरे वाले हैं, थोड़ा देख के बताओ उनको। जोएब ऐसे भागते ना, जोएब को पकड़ना बहुत मुश्किल होता। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पर और मुझे जो है ना आज बनानी थी तहारी, तो मैंने गोश्त ना गला कर रख दिया था, बस मुझे बघार लगाना था, उतने ही मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं बाहर, तो मैं निकल गई थी। लेकिन अभी मुझे तहारी बनाना है क्योंकि उन्होंने आते ही मुझे पूछा था कि खाना क्या बनाया है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा पेट तो वैसे फुल है, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं खाना कुछ खाऊं, लेकिन अभी फिर मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि तुमने घर में कुछ बनाया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर तहारी बना रही हूँ। मैंने 3 यहाँ पर प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना रखा हुआ था तो मैंने वो भी ले लिया है क्योंकि कोथमीर और पुदीना अगर तहारी में नहीं जाएगा ना तो तहारी का जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा, तो कंपलसरी हमारा यहाँ पर कोथमीर और पुदीना डलता है। तो कोथमीर और पुदीना को मैंने तोड़ लिया है, अब मैं इसको फटाफट कट कर लूँगी और फटाफट बनाऊँगी झटपट वाली तहारी। तो मैं आपको टाइम बता दूं, अभी रात के ना 11 बज रहे हैं और मैंने जो है अपनी तहारी बनाई थी कुकर में, तो यहाँ पर जो है ना सीटी पे सीटी लग रही थी और मेरे जो हस्बैंड थे ना वो नीचे ही खड़े थे, वो ऊपर नहीं आए थे हमारे साथ में। तो वो आने के बाद मुझे बोलते हैं कि तुमने खाना क्यों बनाया, मेरा तो पेट फुल था, मैं खाना नहीं खाने वाला था। तो लिटरली मैंने खाना जो है ना सिर्फ उनके लिए बनाया था क्योंकि मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा फुल हो रहा था और शीरिन का भी दिल नहीं कर रहा था और हिमांत का भी नहीं था, उनका भी पेट भरा हुआ था, यानी कि सबका पेट भरा हुआ था। मैंने खाना बनाया ही अपने हस्बैंड के लिए था
था, लेकिन आने के बाद उन्होंने बोला कि तुमने क्यों मनाया, मेरा ही पेट फुल है। तो ये सुनने के बाद जो है ना सच में मेरा ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हुआ। मैंने कहा कि इतनी मेहनत से मैंने बनाया, क्योंकि मेरा ही मन कर ही नहीं रहा था कि मैं खाना खाऊँ। बाहर से कुछ खा के आते ना तो पेट एकदम फुल हो जाता है। तो अभी मैं जो है ना यहाँ पर फटाफट बनाने लगी हूँ तहारी। तो चलिए, मैंने चावल को भिगो कर रख दिया है और मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, जो मैंने प्याज कट कर ली थी वही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और थोड़ा सा मैंने जो गरम मसाला है उसको पीस लिया है हाथ से ही। मैंने इसमें लिया था 4 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा शाही ज़ीरा और थोड़ी सी दालचीनी, और उसको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। और यहाँ पर जो है ना मैं कसूरी मेथी को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि कसूरी मेथी मेरी इसी में डलेगी कोथमीर के साथ में। लेकिन इसको पहले मैं वॉश करके साइड में कर लूँगी, उसके बाद कोथमीर और पुदीने को मैं इसी में धो दूँगी। ऐसे नहीं कि मैं डिटर्जेंट लगा कर धो रही हूँ, मैं बता रही हूँ बस, मैं इसको पानी में ऐसे ही वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला, जो मैंने हाथ से ही कूट लिया था। और उसके बाद हमारा कोथमीर और पुदीना चला गया। आपको लगे तो आप हरी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची नहीं डाला है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि रेड चिली जो है ना थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ऐड नहीं किए हैं। तो कोथमीर और पुदीना और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको चला लेंगे। उसके बाद जो हमारा गोश्त है, जिसको हमने पहले से ही अदरक लहसुन नमक और रेड चिली पाउडर और टमाटर डालकर गला लिया था, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पीछे से जो है ना बच्चों की आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो बच्चे जो है ना खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना गोश्त डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से चला लिया था 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है चावल। चावल ऐड करने के बाद इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जितना ही पानी हमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 2 ग्लास यहाँ पर चावल लिया है तो 4 ग्लास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। उसके बाद ऊपर से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और लेमन जूस ऐड कर देंगे। नमक आपको देख कर ऐड करना है, क्योंकि पहले से ही मैंने गोश्त में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो आप उस हिसाब से जो है ना इसमें नमक ऐड कर दें, लेमन जूस ऐड कर दें और थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर दीजिए। उससे जो है ना तहारी जो टेस्ट है ना आपको भी अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, उसके बाद जो है ना टेस्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो तहारी में अगर कलर नहीं डलेगा ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती विदाउट कलर की तहारी, तो मैं कंपलसरी इसमें कलर डालती हूँ, जो ज़ाफरान कलर होता है ना, ऑरेंज कलर, वो मैं इसमें डालती हूँ। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको 1 सीटी आने देंगे, बस 1 से 2 सीटी आने दीजिए। उसके बाद उसको लो फ्लेम पर कर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए गैस पर रखेंगे ना तो हमारी तहारी हो जाएगी। तो चलिए जी, हम कुकर का लेड लगा लेते हैं। और अभी जो है ना मुझे दूध भी गर्म करना है, जोहेब के सोने की तैयारी भी करना है, क्योंकि जोहेब को मैंने पहले ही खिचड़ी खिला दी थी हमारे जाने से पहले ही। तो मुझे अभी उनका दूध गर्म करना है और जो उनकी बॉटल वगैरह है उसको भी मुझे वॉश करना है। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं इनका दूध गर्म कर लेती हूँ, पानी वगैरह मैं गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ का जो छोटा छोटा क्लीनिंग होती है ना, छोटी मोटी क्लीनिंग खाना बनाने के बाद की, वो मैं कर लूँगी। उसके बाद जो है ना हम सोने जाएंगे, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को ना, खाना खाते खाते रात के 12 बज गए थे। और ऑब्वियसली तहारी बनती है तो इंसान जो है ना जो नहीं खाने वाला होता है ना वो भी खा लेता है, क्योंकि ये तहारी ना बहुत ज़बरदस्त बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, पेट में जगह नहीं थी लेकिन नीयत जो है ना वो भर नहीं रही थी। दिल कर रहा था कि और मैं खाऊं लेकिन खा नहीं सकते थे तो इतनी अच्छी हमारी तहारी बन गई थी। तो सलाद मैंने बना लिया है और 1 सीटी भी आ गई है, तो मैंने इसको लो फ्लेम पर करके रखा है। तो ये देखिए, ये है हमारी तहारी का फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। तो आप देख रहे हो इतनी क्वांटिटी में मैंने खाया था। और यह हमारा आज का व्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।